एक्चुअली कल जब हम केस लेने के लिए गए थे तो वहाँ पे दो पुलिस वाले बैठे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने डैडी को रोक के बोला था कि उस लड़के ने हमारी फोटो तो नहीं ली, वीडियो तो नहीं ली, और मुझे बुलाने लगे। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। फिलहाल दोपहर के 1:22 हो रहे हैं, लगभग 1:30 बज रहे हैं, एंड आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है दैट कि आज गणपति बप्पा का जन्मदिन है, तो आप सभी को गणेश जन्मोत्सव की ढेरों 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 शुभकामनाएं। तो उसी के लिए पूजा पाठ वगैरह में मैं थोड़ा सा बिजी था, मग्न था, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट भी उठा था। तो उसके बाद पूजा पाठ की, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है बाय द वे। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पूजा पाठ खत्म हुई, एंड फिर अब मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे ऑफिस का काम। तो भाई आज का शेड्यूल वैसा है डेट कि हाँ, ज्योति के लिए हमने पैन कार्ड दिया था, वो बनकर आया है तो वो लेना है, एंड फिर उसके बाद सोफी के लिए कवर लेने के लिए हमें जाना है। सो इट्स गोइंग टू बी अ बिजी डे अगेन। मैं बस अपने ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल हैं उसे एड्रेस कर लेता हूँ, फटाफट निपटा लेता हूँ, और फिर उसके बाद बाहर चलेंगे एंड बाकी सारे काम करेंगे। दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नाश्ता मैंने नहीं किया है, तो काम करते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, वरना दोपहर को वैसे भी डांट मिलने वाली है क्योंकि खाना नाश्ता नहीं किया। पराठे वगैरह जो भी है सब ऐसे रखा हुआ है। बाय द वे आज मैंने मॉर्निंग में एक्सरसाइज के, इवनिंग में वॉक के लिए जाऊंगा, तो अभी मैं थोड़ा सा धीरे धीरे अपने डाइट पर, अपने शेड्यूल पर आ रहा हूँ। चलिए नाश्ता करते हैं। ओके, तो भाई आज हमारा नाश्ता हो रहा है दोपहर के 2 बजे। तो भाई नाश्ते में हमने लिए है एज यूजुअल अपनी स्प्राउटेड बीन्स एंड एक पराठा और एक चाय। यहाँ पर स्वीट रखी हुई है बिकॉज आज गणपति बापा का जन्मदिन था, तो गणपति बापा को भोग लगाने के बाद कुछ मिठाइयाँ जो है यहाँ पर रखी हुई है। मिठाई तो मैंने थोड़ी सी खा ली है, सबको प्रसाद वगैरह दे दिया है, बट हाँ यहाँ पर रखी हुई है, खाऊँगा नहीं क्योंकि अभी डाइट पर जाना है। शाम के 5 बज रहे हैं एंड खाना पीना हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं पैन कार्ड लेने के लिए। पापा मेरे साथ हैं एंड जी चलिए जी। तो भाई हम निकल चुके हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलता रहेगा, पता कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलता रहेगा, तो उस वजह से क्या आप उन लोग करना छोड़ दें, ऐसे थोड़ी रहा। एक्चुअली कल जब हम केस लेने के लिए गए थे तो वहाँ पे दो पुलिस वाले बैठे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने डैडी को रोक के बोला था कि उस लड़के ने हमारी फ़ोटो तो नहीं ली, वीडियो तो नहीं ली, और मुझे बुलाने लगे। अब लोग हैं, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, उस वजह से अपना काम तो रुकना नहीं चाहिए, है कि नहीं। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं। तो अब फिलहाल हम बाइक लेके नहीं जा रहे हैं, पापा ने काफ़ी दिन से कार नहीं चलाई है, तो हम कार निकालेंगे और डैडी ही चलाएंगे। मैं बस आज आराम से बैठूंगा। तुम ही चला चलाओ चलाओ तुम। हाँ हाँ, मतलब बहुत कम ऐसा होगा कि मैं साइड में बैठूं। हाँ वो है ना। चलो जी सीट बेल्ट। जी हम आ गए हैं शॉप पर, उससे उनसे डरती भाई बना है तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे मॉर्निंग में फ़ोन आ गया था, बन गया है, देखते हैं। चलो भाई फाइनली ज्योति का पैन कार्ड आ गया, आई एम सो हैप्पी। पता है कितने महीने लगे। इतने जगह पे गए थे, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, कहीं पे ये प्रॉब्लम, कहीं पे वो प्रॉब्लम, फाइनली चीज़ें हो गई। दैट्स वेरी नाइस, आ गया, अच्छा आया, मस्त आया। देखो हाँ, तो भाई चलो एक काम हो गया खत्म, अब दूसरा काम है वो है बेडशीट लेकर आना, वो मॉम के साथ जाएंगे, शाम को जाएंगे। बेडशीट तो यहीं पर मिल जाएगी, इधर ही, इधर ही होगी दुकान, लेकिन मम्मी को साथ में लेकर आना पड़ेगा ना। चलो अभी फिलहाल घर पे चलते हैं। संभाल के चलाइए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे वॉक करने के लिए आ रहा हूँ। ओके, तो भाई हमें अपना पैन कार्ड मिल गया, मैं जा रहा हूँ अभी घर पर, घर पे ये ज्योति को दे दूँगा एंड फिर उसके बाद वॉक के लिए निकलेंगे। 7:15 घर पे पहुँच गया हूँ, और अब फिलहाल सिंगदाने और क्या इसको क्या बोलूँ, मखाने, जी मखाने खाए जा रहे हैं,
बस कुछ देर और फिर पूजा का समय हो जाएगा। आज गणपति पापा का बर्थडे है तो आज गणपति पापा की स्पेशल पूजा करेंगे, मज़ा आएगा। तो भाई घड़ी में लगभग बज रहे हैं 8:30 और पूजा हो चुकी है, भगवान की आरती भी हुई थी, भगवान की आरती भी हुई थी। लीजिए भैया आरती आप लोगों को भी भाई। हाँ गजानन महाराज, गणपति महाराज आपको भी यू नो ब्लेसिंग्स दें। जी हमारा रील्स का सेटअप हम लगा देते हैं, कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल करने के लिए, तो बस मैं रील्स अभी फ़िलहाल बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम के लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। जीत सिंप्लीफाई इज़ द यूज़र आईडी, फॉलो करो। सो व्हाट आई डू इज़ दैट कि इस तरफ यानी कि रिंग लाइट के पीछे की तरफ दीवार है एंड इस तरफ यू नो एज यू कैन सी बेड वगैरह है। सो व्हाट आई डू इज़ दैट कि मैं इस रिंग लाइट को जो है ना दीवार की तरफ मोड़ देता हूँ, है ना, इस तरीके से दीवार की तरफ मोड़ लेता हूँ ताकि जो बैकग्राउंड जो है ना हमें रील्स के लिए, सॉरी मैं तो पूरा पाला दिख रहा हूँ, तो बैकग्राउंड रील्स के लिए जो बैकग्राउंड है ना वो इस तरीके का प्लेन मिले, तो उसमें जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है रील्स। तो एक काम करता हूँ मैं फटाफट रील्स बना लेता हूँ, 2 या 3 बनाएंगे मज़ेदार एकदम फ़नी वाली, एंड फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। रात के बज रहे हैं भाई 10:30 और हम कर रहे हैं डिनर। डिनर में स्प्राउटेड बीन्स और रोटी, दैट्स इट। स्प्राउटेड बीन्स ही बोलना है इनको, स्प्राउटेड बीन्स बोलना है ना, स्प्राउट्स बोल रहे हैं, जो भी है क्या ठीक है जो भी है। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मैं खाना खाता हूँ और खाना खा के सो जाऊँगा। प्रॉबेबली मैं एडिट करूँगा, सोऊंगा नहीं एडिट करूँगा। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है किसी भी कारण से तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।